चोरी करने के लिए ये इतने भयंकर हैं। वो घूमते रहते हैं दोस्तों, इसलिए हम उस दिन चोरी नहीं करते हैं। पहाड़ की नारी बारिश पे भी भारी। तो अभी तो वो शुभ घड़ी आ गई है जिस घड़ी में मेरी के घर में आए हैं, तो ये सारे गांव में जाएगा सपोर्ट टीका लगाएगा। दिहाड़ी मजदूरी पे आ गए हैं दोस्तों। हमारी मुरादे माता रानी पूरी करती है दोस्त, उसको माता रानी का आशीर्वाद दिलवा निकले। इतने सारे प्रांगण मेरे गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 7:30 बजे से, और आज अगर मौसम की बात करें तो लगातार 3 दिनों से यहाँ पे बहुत भयंकर बारिश हो रही है, और मैं आ रखी हूँ माता रानी के मंदिर में पूजा करने के लिए। और माता रानी के मंदिर से पूजा करके मैं आ गई हूँ घर पर। बारिश अभी भी नहीं रुकी है, आज 3-4 डिस्ट्रिक्ट में अलर्ट हो रखा है, तो आज बारिश क्या ही रुकेगी। फिर दोनों ने पूजा पाठ निपटा दिया है, तो बाहर तो बहुत बारिश हो रही है। और हम आ गए हैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो आज के नाश्ते में मेरी माँ ने अभी आलू उबाल के रख दिए हैं, आटा गूंद के रख दिया है, तो हम बनाएंगे नाश्ता। अब मेरे प्रति इसका इतना प्रेम है कि एक फोन पे ये इतनी भयंकर बारिश में मेरे घर आ गया। मैंने इसके लिए बोला कि इधर आ जा, तुरंत आ जाता है ये और ऐसे चल जाएगा ये। और इसको मैंने बुलाया है आज आलू के पराठे खिलाने के लिए। कल से बेचारे की हालत खराब है, क्योंकि ठंडा इतना भयंकर हो रहा है कि उसको जुकाम लग गया है, और मेरी भी हालत खराब हो रही है ठंड से। और मेरी माँ सीधे आग जलाने की कोशिश कर रही है ठंड की वजह से, पर आग भी जलने का नाम नहीं ले रही है क्योंकि लकड़ियाँ सारी गीली हो रखी। और सुबह से मुझे जिस चीज का इंतजार था, फाइनली अभी मेरी माँ ने सांस कर लिया है वो बनाने का। मैं इंतजार कर रही हूँ कि अब नाश्ता मिलेगा, तब नाश्ता मिलेगा, पर मेरी मम्मी के मायके वालों के फोन सुबह सुबह इतने आते हैं कि मेरी मम्मी सब कुछ भूल जाती है। और मेरी मम्मी को इस चीज में भी मेरी जिद है कि जब तेरे दोस्तों के फोन आते हैं, दोस्त दोस्त होते हैं, मायके वाले होते हैं, खतरनाक होते हैं। मेरी मम्मी का मानना है कि दोस्त खतरनाक होते हैं, पर मेरे दोस्त खतरनाक नहीं है, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, मेरी मम्मी को पता है। मजाक कर रही हूँ, मेरी मम्मी के मायके वाले भी बहुत अच्छे हैं। मम्मी बना रही है गेहूं के आटे की और मंडवे के आटे के मिक्स पराठे, और हमारे घर जो भी आता है वो सब सेफ बन जाते हैं। तो एक तरफ मम्मी बना रही है आलू के पराठे, और दूसरी तरफ ये बना रहा है अपने लिए पॉपकॉर्न, जो कि इसे बहुत पसंद है। ठंडा इतनी चरम सीमा पे है कि मेरी मम्मी वैसे वैसे रोटी बना रही है, वैसे वैसे आग सेक रही है। जब तक कुछ खाने को मिलता है तब तक मैं भी थोड़ी देर आग सेक लेती हूँ। और आज सबको माता रानी के मंदिर पे जाना है पूजा करने के लिए। आज संत जा रहा है माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए, तो हम भी चलते हैं। वैसे उसको भरपूर मात्रा में माता रानी ने आशीर्वाद दे रखा है, पर हम भी जा रहे हैं आज उसको माता रानी का आशीर्वाद दिलवाने के लिए। तो अभी सख्त जरूरत संजू भैया को है आशीर्वाद लेने की, तो संजू भैया देखेंगे कि कैसी देती है माता रानी आशीर्वाद। तो आइए भैया, हम भी आशीर्वाद लेते हैं, ठीक है? वैसे मैंने पूजा सुबह कर दी है, पर अभी ये भी पूजा करेगा। तो आज के यजमान यहाँ पे है संतोष बोगड़ा। तो संतोष जी, अब आप क्या मांगने आए हो? सब कुछ दिया तो है माता रानी ने। एक से बढ़कर एक है यहाँ। अभी इनकी बारी आ गई है श्रीफल फोड़ने की। तो इसका किसी कद का सवोर ही नहीं है, अब संजू भैया फोड़ेंगे। संतु की सारी मुरादें माता रानी पूरी करती है दोस्तों। संतु का जो सिल्पर ला रखा था वो खाया हुआ निकला। हाँ, हमारे यहाँ सड़ा हुआ नहीं बोलते हैं, हमारे यहाँ खाया हुआ बोलते हैं। जिसकी मन्नत पूरी होती है उसका श्रीफल माता रानी खा लेती है। और मेरी बहन की मुराद पूरी होनी अभी बाकी है, उसका श्रीफल थी वो होगा दोस्तों, उसके बाद उसकी मन्नत पूरी होगी। और दिहाड़ी मजदूरी पे आ गए हैं दोस्तों। तो अभी इसकी पूजा समाप्त हो गई है, तो अब सभी लोगों को ये देगा प्रसाद। मैं दूंगा बल पहले आशीर्वाद है।
पूजा पाठ समाप्त करने के बाद अभी संत जाएगा मेरी माँ से मिलने के लिए। बाकी अभी ललिता के घर में आए हैं तो ये सारे गांव में जाएगा, सबको टीका लगाएगा। अरे वाह, भरत में लाभ भी हो रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। समझे तब तक मैं इनके लिए बनाऊंगी चाय पीने के बाद और मम्मी से मिलने के बाद। अब ये जा रहा है घर और ये शर्मा रहा है। क्यों क्यों शर्मा रहा? शर्मारी और अभी मेरे परांठे और इसके पॉपकॉर्न भी बन गए हैं। और नाश्ता करने के बाद अभी हम जा रहे हैं शौर्य लोगों के घर। और एक अमन है, दूसरी कृष्णा और तीसरा ये नया लाया मैंने और पुराना उठा के ले गया। अरे तो आपके लिए नया है तो पुराना मेरा हो गया। यही काम है मेरी बहन के और मेरे दोनों भाई के। गोरे होंगे क्या कहना, तो इसे भी अब गोरा होना है। तो मैं हूँ आपसे ज्यादा पर फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अभी मैं पहुंच गई हूं अपने मोहल्ले में। तो यहां आज बारिश हो रही है इसलिए सभी लोग घर पे हैं। और बारिश हो, धूप लगे, तूफान आए, आंधी आए, कुछ भी हो, पर मेरी चाची लगी रहती है अपने काम में। बारिश में आधा से ज्यादा लोग ऐसे करते हैं कि रजाई निकालते हैं, सो जाते हैं, पर मेरी चाची अच्छा, अपने रोजगार पे लगी रहती है। हाँ, कितनी अच्छी फैसिलिटी दे रखी मेरे चाचा ने मेरी चाची को। टीवी लगा दी थी और मेरे चाचा ने नहीं दे रही, मेरे पापा ने दे रहे मुझे। दोस्तों ये मेरे मम्मी पापा ही देने। हाँ, तो मैं रोजगार के लिए चले जाती। हाँ, इसके चाचा ये काम करवाते वाले हैं। चाचा परसों के ब्लॉग में मैंने चाची को बोला था कि मैं अपनी चाची को भड़काऊंगी। अब ये वाला ब्लॉग का लिंक मैं अपने चाचा को भेजूंगी और अपने चाचा को भड़काऊंगी अपनी चाची के खिलाफ। दोस्तों वो शुभ घड़ी आ गई है जिस घड़ी में मेरी चाची ने मेरा कुर्ता सिल दिया है। 10 दिन बाद वो घड़ी आ गई है। और कोई लोग यहाँ पे तपस्या करने बैठे हैं। दोस्तों क्या हुआ बड़ी, आज सकल उतरी? ओहो, मेरी बड्डी को कोई सोने भी नहीं दे रहा इसलिए मेरी बड्डी का अभी थोड़ा सा मुंह बन रखा है। अब तो हल्ला करने वाली और आ गई, अब तो क्या ही सोएगी मेरी बड्डी। और हमारे यहाँ इतनी भयंकर ठंड हो रही है कि चुस्ती इनर निकल गई है मेरी बड्डी की। और आज मेरे बड्डा बन ठन के तैयार हो रखे हैं। तो बड्डा सीध तुम्हारी जहाँ जाने के लिए आज मेरे बड्डा इतने मस्त बन रखे हैं। तो आज हम बहुत अहम मकसद से जा रहे हैं, मैं, संजू भैया और शौर्य। यहाँ से हमारे साथ अनीता भी जुड़ चुकी है। तो जो हमारा मकसद है वो है चोरी करने का। ये प्लान था मेरे भैया का कि चलो आज चोरी करने चलते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पहुँचे वैसी बहुत भयंकर बारिश होने लग गई है। चोरी करने के लिए ये इतने भयंकर हैं कि इन्हें बारिश का एहसास भी नहीं हो रहा है। और मैं तो अपनी मस्त छाता लेके आ गई हूँ। ये है पांगर के बाहर का कवच और इसके अंदर से पांगर निकालना बहुत मुश्किल काम है। तो अभी अंत वही कर रही है। ये झाड़ियों के बीच तक घुस रहे हैं कि क्या पता पांगर मिल जाए, और एक भी नहीं मिल रहा है दोस्तों। तो आज पेड़ में फिसलन है जिसकी वजह से हम पेड़ में नहीं चढ़ सकते हैं। और आज ही मेरे दादी दादा अंदर हैं क्योंकि बारिश हो रही है, वरना जिस दिन बारिश नहीं होती उस दिन वो घूमते रहते हैं दोस्तों, इसलिए हम उस दिन चोरी नहीं करते हैं। यहाँ चोरी करने लाया, खुद वो साइड में खड़ा है और इस टाइप का होता है और इसके अंदर होते हैं पांगर। और अगर ये कांटा चुभ गया तो भाई इतना दर्द होता है कि क्या ही बोले। और चोरी करने 4 आ रखे थे दोस्तों और पांगर सिर्फ इन दोनों को मिले हैं। तो इतना मस्त पांगर मेरे भाई को मिला है। एक भाई तुम ओहो, इतने सारे पांगर मेरे भाई, पांगर मिले नहीं पर भीगम बहुत अच्छे तरीके से गए हैं। और उतने हमने पांगर नहीं लाए जितने कांटे चुभ गए हैं और जोंक लग गई है। तो इस पेट के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और पांगर खाने के बाद अभी अनीता ने हमारे लिए बना दी है चाय। और हमें लगा था कि थोड़ी देर बारिश होगी फिर उसके बाद बारिश रुक जाएगी, पर बारिश तो आज पूरे दिन भर हो रही है और हम यहाँ पे बैठे हुए पहाड़ की नारी बारिश पे भी भारी। तो अभी दादी खेत से लेके आ गई है घास। यहाँ बैठने के बाद अभी हम सब जा रहे हैं संतों के साथ बैठने के लिए।
और ये वाला रूम संजू भैया का है और वाला संतो का। और संतो तो सो रख, और गप्पे मारते मारते मेरे भैया भी सोने की एक्टिंग कर रहे हैं। और अब मैं जा रही हूँ यहाँ से घर। अभी खाना खा के हम थोड़ी देर सो गए थे तो हमें लगा मौसम थोड़ा ठीक हो जाए, पर मौसम ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। और बारिश तो रुक नहीं रही है और आज सौर्य भी नहीं आया है क्योंकि बारिश अभी तेज हो रही है और आजकल लाइट का बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो अब मैं लगाती हूँ फ़ोन को चार्ज और आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भावना मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।